तो गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग रिपोर्ट्री के इस क्लास में एक ऐसे इतिहास को देखने जा रहे हैं जिन्होंने जिनको कहा जाता है कि डॉक्टर केंट का आधारशिला है। ये डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन लिप्पे हैं और जो कि डॉक्टर एडोल्फ लिप्पे के लड़के थे। और इन्होंने डॉक्टर हेनिमेन के देखरेख में रिपोर्ट्री बनाने का काम शुरू किया था। रिपोर्ट्री क्योंकि प्रारंभिक समय में बहुत सारे लोगों को डॉक्टर हेनिमेन ने रिपोर्ट्री को का निर्माण करने के लिए, उसे बनाने के लिए, उसका प्लानिंग करने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए, रूब्रिक्स कलेक्ट करने के लिए, सिम्टम्स को अरेंज करने के लिए बहुत सारे काम थे इसको करने का काम, और साथ साथ एक सिद्धांत को भी स्थापित करना था। रिपोर्ट्री बनाने का, रिपोर्ट्री के काम करने का तरीके को भी स्थापित करना था। बहुत सारे कार्यों में करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर डॉक्टर हेनिमेन के साथ में काम कर रहे थे, और सभी को डॉक्टर हेनिमेन ने अपने गाइडेंस में सभी को कुछ कुछ काम देते चले गए। डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन लिपे मेडिकल स्टूडेंट ही थे और ये पढ़ाई के साथ साथ में डॉक्टर हेनिमेन से प्रभावित थे और हेनिमेन के साथ में काम कर रहे थे। और इन्होंने एक जो रिपोर्ट्री बनाया, और साथ में इनके क्लिनिकल मैथमेटिका का भी बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने कई एक काम मैथमेटिका के भी किए हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं डॉक्टर लिप्पे के विषय में और डिटेल्स में एक अलग से लेक्चर दूंगा, लेकिन डॉक्टर लिप्पे के कंट्रीब्यूशंस को आज हम लोग देख रहे हैं। कॉन्स्टेंटाइन लिप्पे 1840 से 1885 तक थे। ये एडोल्फ सन के लड़के माने जाते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छे होम्योपैथ थे, और इनका मृत्यु जो है सो घाव के कारण हुआ था अमेरिकन सिविल वॉर में, है ना। अमेरिकन सिविल वॉर हो रहा था, उसमें इनको चोट लगी थी और उसके बहुत सारे फ्रैक्चर्स हो गए थे। टिबिया जो है सो टूट चुका था और उसके एम्पुटेशन नहीं हो पा रहा था। कॉन्स्टेंटाइन ग्रेजुएटेड अलोंग साइड नोटेबल होम्योपैथ सच एज अर्स्ट अल्बर्ट फैरिंगटन, थॉमस लिंड्सडे, ब्रैडफोर्ड, एडवर्ड विलियम बेरी और वॉल्टर जेम्स एंड ऑल विच कंट्रीब्यूटेड इन द मेजर वे टू द प्रोफेशन। तो इन लोगों के साथ में, मानी इनके साथ ही माने जाते हैं डॉक्टर पैरिंगटन के, थॉमसन थॉमस लिंड्सडे के, ब्रैडफोर्ड के। ब्रैडफोर्ड का आप लाइफ एंड लेटर्स ऑफ डॉक्टर हेनिमेन आपने देखा होगा। बेरीज का मैथमेटिका भी आपने देखना चाहिए आप लोगों को। ये सारे इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और ये कॉन्स्टेंटाइन जो लिप्पे हैं, एल्थी लिप्पे, इन्होंने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन हम लोगों के सामने में रखा था। एडोल्फ लिप्पे हैड मेंशन दैट ए रिलायबल एंड मोर कंप्लीट रिपोर्ट्री कंटेनिंग मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ मैथमेटिका वाज नीडेड। एडोल्फ लिप्पे जो इनके पिताजी थे, उनका कहना था कि एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स का संकलन होना चाहिए, कंपाइलेशन होना चाहिए, जिससे कि हम लोग काम कर सके। और इस काम को कॉन्स्टेंटाइन लिपे ने 1879 में 1879 में इस काम को पूरा किया। डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन लिपे पब्लिश द फर्स्ट एडिशन ऑफ रिपर्ट्री द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ मैथमेटिका, है ना। पहला एडिशन प्रकाशित किया। ही हैड ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द सेकेंड एडिशन ऑफ हिज रिपर्ट्री एज द फर्स्ट ऑफ टू वॉल्यूम्स वॉज ऑलरेडी इन प्रिंट एट द टाइम ऑफ हिज अनटाइमली डेथ इन 1885। इनका मृत्यु बहुत जल्दी हो गया था, जैसा कि मैंने बताया चोट लगने के कारण, और 1885 में। लेकिन इनका सेकेंड एडिशन भी ऑलमोस्ट तैयार था और वो बाद में चल करके लोगों ने इसको कंप्लीट किया था। सेकेंड एडिशन ऑफ हिज पोएट्री वॉज एडवर्टाइज एज रिवाइज रीरिटन एंड मच इनलार्ज एडिशन, है ना। जो दूसरा एडिशन जो है उसकी जो पब्लिसिटी की गई थी, उसके लिए कहा गया कि ये रिवाइज है, माने इसको फिर से सुधारा
सुधारा गया है, फिर से लिखा गया है और इसको बहुत बढ़ाया गया है। और खास करके वॉनिगेशन रिपोर्ट्री के प्रिंसिपल को भी इसमें समाहित किया गया है ना। और इंग्लिश इस, लेकिन ये इसका ट्रांसलेशन फिर बाद में हुआ। और हैनिमन आल्सो मेनी एडिशंस फ्रॉम द जास सिम्टम्स कोडेक्स, ली कफ रिपोर्ट्री के भी बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं, जास के जो सिम्टम्स कोडेक्स हैं और ली कफ के कफ रिपोर्ट्री के जो सिम्टम्स हैं उसको इसमें जोड़ने का कोशिश किया गया था। डॉक्टर सी लिपे सडनली डाइड फ्रॉम ए पल्मोनरी इम्बोलिज्म, है ना, जो कि मैंने बताया पल्मोनरी इम्बोलिज्म हो गया, फ्रैक्चर हो गया था। और वो लड़ाई के दौरान में सिविल वॉर में 20 साल के समय में एडॉल्फ लिपे देन आस्क्ड एडमंड गे ली वन ऑफ हिज क्लोज स्टूडेंट टू कंप्लीट द सेकेंड एडिशन ऑफ हिज सन्स रिपर्टरी। तो ये पूरा नहीं हुआ था, इसको पूरा करने के लिए इनके पिताजी डॉक्टर एडॉल्फ लिपे ने कहा ली को, ली का भी नाम बहुत अच्छा आता है ये कंप्लीट करने के लिए। लेकिन ली भी जो है तो अंधे हो गए काम पूरा करने के पहले, है ना, ली भी ब्लाइंड हो गए थे, काम पूरा नहीं हो पाया। इसलिए डॉक्टर जेम्स टायलर केंट ने इस काम को पूरा करने का काम लिया और द एनॉर्मस वर्क विद द हेल्प ऑफ हिज स्टूडेंट, बट अनफॉर्चुनेटली नेवर मेंशनड दैट हिज रिपर्टरी वाज इन फैक्ट द ट्रिबुलेशन ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन लिपे रिपर्टरी दैट वाज बीइंग इनलार्ज्ड एंड कम्प्लीटली कम्प्लीटेड बाय एडमंड गे ली, है ना। तो आप देखिए कॉन्स्टेंटाइन लिपे ने बनाया, उसका सेकेंड एडिशन के रिवाइज करते समय में कॉन्स्टेंटाइन लिपे का डेथ हो गया, उसको पूरा करने के लिए डॉक्टर एडमंड गे ली ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और फिर इनका भी डेथ हो गया और उसके बाद में अल्टीमेटली जेम्स टायलर केंट ने इस काम को कंप्लीट किया। लेकिन एक बात जो देखने को मिलता है, जेम्स टायलर केंट ने, जेटी केंट जिनका रिपर्टरी हम लोग पढ़ते हैं, इन्होंने कभी भी कहीं भी इस बात को मेंशन नहीं किया कि इनका रिपर्टरी जो है सेकेंड एडिशन का कंपाइलेशन था। ये तो देखने से लोगों को पता चला कि डॉक्टर केंट के जो मैटर जो है, अधिकांश मैटर जो है तो वह कॉन्स्टेंटाइन लिपे के काम के थे और जिसको और थोड़ा सा एडमंड गे ली को। इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर केंट ने केंट का जो रिपर्टरी है उसका बुनियादी, उसका बेसिक स्ट्रक्चर वो आपको डॉक्टर लिपे का स्ट्रक्चर है और डॉक्टर ली का जो एडिशन है ये, है ना, कॉन्स्टेंटाइन लिपे का स्ट्रक्चर को ही डॉक्टर केंट ने आगे को बढ़ाया, है ना। यानी कि डॉक्टर केंट का जो कंट्रीब्यूशन है उसको पूरा करने का है और उसके अंदर में नया क्लिनिकल सिम्टम्स और जो उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स में देखा था, अपने क्या था उसको करने का काम आता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर केंट के रिपर्टरी में जो हम लोग देखते हैं बहुत ही सिस्टेमेटिक ढंग से है, जो कि आपको लिपे के रिपर्टरी को देखिएगा उसमें आपको उतना अरेंज नहीं हो। इन्होंने काफी मेहनत तो किया है ना, काफी मेहनत इन्होंने किया है और इस मेहनत को करने के लिए डॉक्टर केंट ने, लेकिन इन्होंने इसका जो क्रेडिट जो देना होता है वो खुद अपने को रखा, ठीक है ना। डॉक्टर केंट कहते हैं आई कैरिड, देखिए केंट की भाषा मैं यहाँ पर दिया हूँ, आई कैरिड लिपे रिपर्टरी विद मी फॉर ए नंबर ऑफ इयर्स अंटिल इट वॉज नॉट ओनली इंटरलिव्ड बट डबली एंड ट्रिबली इंटरलिव्ड। वो तब तक उसको मैं यूज करता रहा जब तक कि उसको मैं दो बार तीन बार वह जो है तो उसके पन्ने बर्बाद नहीं हो रहे थे। द पेजेज वॉज सो क्लोजली रिटेन, उसमें कुछ कुछ नोट करते जा रहे थे रिटेन अपॉन दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू फाइंड वॉट आई हैड रिटेन इन टू इट, है ना। उसी किताब पर उन्होंने जो ऐड करते थे जो जगह रहता था उस पर एक बार नहीं दो बार इन्होंने लिखा और उसके बाद में इतना इम्पॉसिबल हो गया कि वो कंफ्यूज हो गए थे कि उन्हें क्या लिखा क्या नहीं, है ना। इसीलिए हमको लगता है कि डॉक्टर केंट को ये महसूस हुआ कि नहीं मैं तो जो लिखा हूँ तो अपने आप में नया है, लेकिन जो उन्होंने ऐड किया वह ऐड किया लेकिन बेसिक जो टाइप मैटर था वह तो वो पहले का ही रह गया, ठीक है ना। रिपर्टरी ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरिया अमेरिका इसका नाम है
रिपर्ट्री इज बेस्ड ऑन द मैनुअल पब्लिश इन एलेन टाउन ऑन 1838 बाय सी हेरिंग के आधार पर है, विच इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट रिपर्ट्री टू बी पब्लिश इन इंग्लिश। है ना, इसे माना जाता है कि इंग्लिश में प्रकाशित होने वाला ये पहला रिपर्ट्री। और इंग्लिश में प्रकाशित होने वाला यह पहला रिपर्ट्री है, ठीक है। इसके डिफरेंट एडिशंस किए गए। पहला एडिशन जैसा बोरिक एंड टेफल ने निकाला था 1879 में, फिर पहला इंडियन एडिशन जो हुआ था 1939 में बी भट्टाचार्य एंड कंपनी कोलकाता के द्वारा निकाला गया, ठीक है ना। भट्टाचार्य एंड कंपनी कोलकाता के द्वारा निकाला गया था 1933 में। और पांचवा एडिशन जो है 1972 में बीएन पब्लिशर्स के द्वारा। देखिए, होम्योपैथी किताबों का पब्लिकेशन बाहर में तो जरूर हुआ, लेकिन सबसे बड़ा जो पब्लिकेशंस का रोल है सो इंडिया में ही हुआ है। भट्टाचार्य एंड कंपनी, फिर बॉम्बे के एक रॉय एंड कंपनी, ये सारे लोगों ने रिपर्ट्री को ला करके जिंदा रखने का प्रयास किया, क्योंकि बाहर में इसका इतना ज्यादा पॉपुलरिटी नहीं था। और इंडिया में इसको लाने के बाद में, और भट्टाचार्य एंड कंपनी, रॉय एंड कंपनी के बाद में बीज एंड पब्लिशर्स का सबसे बड़ा रोल है आपको होम्योपैथी में, होम्योपैथी इतिहास को, खास करके लिटरेचर के इतिहास को जिंदा बनाए रखने में। डॉक्टर लिपेज एडेड सेक्शंस फ्रॉम द बॉनिविस्टन वर्क, है ना। डॉक्टर लिपे में आप देखिएगा बॉनिविस्टन है, लिपे का मेट्रिया मेडिका उसमें है, बेल्स का डायरिया और एचसी गर्मे से और हेरिंग एंड जार का इसके अंदर में मैटर है। डॉक्टर सी लिपे कॉल्ड हिज रिपर्टरी एज एन इंडेक्स टू द मोर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द मेट्रिया मेडिका एंड प्रेजेंटेड ओनली सच सिम्टम्स विच वेर प्रूव टू बी कैरेक्टरिस्टिक बाई एक्सपीरियंस, ठीक है। इसके अंदर में इतने सारे जो लक्षण दिए गए थे वह क्लिनिकल प्रूविंग के आधार पर किया गया था और उसे कैरेक्टरिस्टिक माना गया था अनुभव के आधार पर। इस किताब में 438 पेजेज, इस किताब में 438 पेजेज, ठीक है ना। इसमें तीन पार्ट में बना हुआ है यह किताब, जिसमें पहला पार्ट है तो प्रस्तावना है, प्रीफेस है, उसके बाद में रिपोर्ट है, और तीसरे भाग में लिस्ट ऑफ रेमेडीज है, ठीक है ना। प्लान एंड कंस्ट्रक्शन जो है तो रिपोर्टरी चैप्टर पर जो है मेट्रिया मेडिका प्यूरा के आधार पर, और इसके अंदर में टोटल 34 चैप्टर है, ठीक है ना। इसके अंदर में टोटल 34 चैप्टर है इसके अंदर में, ठीक है ना। इसका स्पेशल फीचर्स क्या है, इसका विशेषता किताब का, इसके अंदर में मेंटल, जनरल और फिजिकल पर्टिकुलर, ये तीन, ये देखिए कैंटीन स्टाइल है, इसी को हम लोग कैंटीन स्टाइल भी कहते हैं, मेंटल जनरल, जनरल फिजिकल जनरल एंड फिजिकल पर्टिकुलर। ये डॉक्टर बॉनी क्रिस्टन, डॉक्टर केंट का आधार है कॉन्सेप्ट का, जो कि डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन एरिंग ने बनाया था। मेनी ऑफ द बुक रेफर्ड आर आउट ऑफ प्रिंट, इसमें जो पहले आपको बताया गया है बहुत सारा अभी प्रिंट में नहीं है। दिस वर्क इज ग्रेट वैल्यू एंड इट गिव्स अस एट ए ग्लैंस द कॉरेस्पॉन्डिंग रेमेडी टू द सिम्टम्स सॉट फॉर एंड फर्दर कंपैरिजन विद द मेट्रिया मेडिका इन द डिफरेंसेस ऑफ कंडीशन और लोकेलिटी और कम्प्लिकेशंस गिव डिफरेंसेस बिटवीन द रेमेडी हैविंग द जनरल सिम्टम्स इन कॉमन, है ना। तो आपका अंतर और कंपैरिजन ये करके इसके अंदर में समाहित किया गया है, इसके अंदर में डाला गया है, जिससे कि ये काफी आप लोगों को समझने में सहूलियत हो पाए। कहा जाता है कि बहुत ही इसी रिपर्टरी को प्री कर्सर ऑफ केंट रिपर्टरी माना जाता है, और डॉक्टर केंट बॉनिगेशन थेरापेटिक पॉकेट के बजाय सबसे ज्यादा जो यूज इन्होंने किया था वह है आपको केंट का, ये लिप्पे का रिपर्टरी, और फिर बाद में इसी के आधार मान करके डॉक्टर बॉनी केंट ने अपना रिपर्टरी तैयार किया, ठीक है। इसके अंदर में 602 मेडिसिन है ना, 602 मेडिसिन है,
इट फॉलोज द लॉजिक ऑफ जनरल टू द पर्टिकुलर, जो कि केंटियन लॉजिक है. द माइंड एंड जनरलिटी चैप्टर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द रिपर्टरी. जैसा कि केंट में आप देखते होंगे, माइंड का चैप्टर और जनरलिटी का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. द ग्रेडेशन इटैलिक्स एंड रोमन आर फॉलोड इन द रिपर्टरी. इसके अंदर में दो ग्रेडेशन है, इटैलिक्स और रोमन, और इसे सिस्टमेटिक रिपोर्टराइजेशन के लिए और रेफरेंस वर्क के लिए इस किताब को काम में लाया जा सकता है. लिपे ने जो कोशिश किया था कि इसे डिडक्टिव लॉजिक के आधार पर तैयार किया जाए, है ना, डिडक्टिव लॉजिक के आधार पर तैयार किया जाए, फिर भी ये जो है सो आपको प्रैक्टिकल रिपोर्टरी के और बहुत जगह पर डिडक्टिव लॉजिक का बहुत सारा फॉर्मेट जो है इसमें पूरा नहीं हो पाता है, और प्रेडिक्शन स्टाइल को भी इसमें फॉलो किया, यानी कि एक मिक्सचर टाइप का, एक कंफ्यूजन टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसका अंदर में दिखाई पड़ता है ना. तो सिम्टम्स का स्टेट सिम्टम्स को कन्वर्ट करके रिपोर्टरी लैंग्वेज में प्रयास करने का जो तरीका है वह डॉक्टर लिप्पे का आधार मिला है, डॉक्टर लिप्पे का द्वारा ही दिया गया था. ठीक है, डॉक्टर लिप्पे में कहते हैं हरेक चैप्टर में को कंपेयर किया गया था जनरलिटी से. क्यों जनरलिटी से हरेक चैप्टर सेक्शन को? इसलिए कि जनरलिटीज का सिम्टम्स पर्टिकुलर सिम्टम से बहुत जगह पर अलग होता है. इसीलिए टाइम मॉडलिटीज को भी अरेंज भी उसी हिसाब से किया गया था. और केंट जिसको ये केंट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किए हैं, इसको अपने शुरुआत में अपने मॉडलिटी दे दिया है ना, शुरुआत में दे दिया है. और पेन आर ऑफ ऑल सेपरेट रूब्रिक्स बट इन केंट ऑल आर अंडर द रूब्रिक्स पेन, है ना, अलग अलग वहां पर है जैसे पेन का टाइप, लेकिन इसके अंदर में केंट में सबको एक जगह किया गया. फिर है रूब्रिक्स रिलेटेड टू टेम्परामेंट आर गिवेन अल्फाबेटिकली, वेयर एज इन बोगर दे आर गिवेन इन द रूब्रिक्स टेम्परामेंट, अलग रूब्रिक्स है. तो इसको अल्फाबेटिकली डाला गया, यहाँ पर इसको बोगर ने चेंज कर दिया है अपने में. सम मेंटल सिम्टम्स इन द इन जनरलिटी, कुछ जनरलिटीज के कुछ मेंटल सिम्टम्स हैं, मेंटल सिम्टम्स जो है जनरलिटी चैप्टर में है, जैसे कंपनी कैप्रोफेल्जिया, कैप्रोफोलेजिया, कॉन्ट्रेडिक्शन स्टूल बिफोर ड्यूरिंग, आफ्टर यूरिनेशन, बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर मेंसेस, बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर आर इन जनरलिटीज बट ऑल्सो इन द रिस्पेक्टिव सेक्शन लाइक इवैक्यूएशन बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर बिफोर मिक्चुरेशन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन आफ्टर मिक्चुरेशन बिफोर कैटेमेनिया एंड ड्यूरिंग कैटेमेनिया एंड आफ्टर द कैटेमेनिया, है ना. ये रूब्रिक्स का अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, मिक्सचर टाइप का है. शुरुआत दौर में सबको एकदम पूरा पूरा अलग नहीं किया गया, और आज भी आप देखिएगा केंट रिपर्टरी में आज भी बहुत सारे मेंटल सिम्टम और अरेंजमेंट जो है तो वह कम्प्लीट नहीं है. इवन सिंथेसिस रिपर्टरी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी यह कोशिश नहीं किया गया है अरेंजमेंट को सारे मेंटल को एक जगह कर दिया जाए, ठीक है ना. ये बना रहेगा क्योंकि मेंटल और माइंड और बॉडी का कॉम्प्लेक्सिटी इतना ज्यादा है, है ना, माइंड एंड बॉडी का कॉम्प्लेक्सिटी इतना ज्यादा है कि इसे आप अलग नहीं कर सकते हैं. जेनेटिक सेक्शन इज ऑरिजिनली मेड ऑफ मॉडलिटी कंपेयर टू दैट ऑफ एग्रीगेशन एंड एमोलेशन. बॉडी जेनेटिक चैप्टर को ऑलमोस्ट ये थेरापेटिक पॉकेट बुक का कॉपी माना जाता है, और ऑर्डर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, देयर आर चेंजेस इन ईच सेक्शन. एकदम एक ही इन्फॉर्मिटी इसके अंदर में नहीं दिखलाई पड़ेगा. केंट रिपर्टरी में भी बहुत सारा इन्फॉर्मिटी आ गया है, लेकिन यहाँ पर दोनों रिपर्टरी में यूनिफॉर्मिटी इसके अंदर में बहुत कम यूनिफॉर्मिटी है. केंट ने उसको और थोड़ा सा यूनिफॉर्म करने का कोशिश किया गया, लेकिन वहाँ भी यूनिफॉर्मिटी की कमी आपको दिखाई पड़ेगी. रिपोर्ट वी फाइंड इन ऑर्गेनन वॉल्यूम 2 पीपी इंटरेस्टिंग केसेस बाय कॉन्स्टेंटाइन लिप्पे ऑफ द न्यूयॉर्क, है ना. कॉन्स्टेंटाइन लिप्पे का एक केस है जो कि आप इस किताब में आप देखिएगा ऑर्गेनन के वॉल्यूम में दिया हुआ है. 20 इयर्स ऑफ एज कॉन्ट्रैक्टेड सिफिलिस, फर्स्ट कॉटराइज कैंकर, टाइम ऑफ रिपोर्टिंग
पेनिस वॉज इनॉर्मसली स्वॉलन एंड ए कैंकर ऑन द ग्लैंड नो पेन गिवन सीना बेक 200 पेशेंट रिपोर्टेड 3 डेज आफ्टर लेटर एट विच टाइम स्वेलिंग ऑफ द पेनिस हैड नॉट डिमिनिश्ड है ना कैनबिस सिनावेरिस 200 दिया गया उसे कम नहीं हुआ एंड कैंकर वाज लाइक ए कॉलीफ्लावर गोभी के फूल के जैसा घाव जैसा ओवर हाफ एन इंच इन डायमीटर था इट वाज रेड लाल स्मूथ नो पेन एट ऑल उसके बाद लैक कैनेनम दिया गया 30% में ए पाउडर एवरी फोर आवर्स इन ए वीक देयर अपीयर टू मोर स्मॉल कैंकर उसके बाद में आया डीप स्टार एज क्लीन विद द सेम साइनिंग अपीयरेंस और लैक कैनेनम सीएम पोटेंशियल दिया गया ठीक है ना लैक कैनेनम सीएम पोटेंशियल में दिया गया और एंड उसके बाद में ये सब सारे ठीक हो गए और केवल एक छोटा सा दाग के अंदर में रह गया ठीक है ना दूसरा केस वहाँ पर है उसको भी सिफिलिस था फॉर स्टार्टिंग स्टेटिंग दैट हिज फर्स्ट डिस्कवरी स्टोर एट द एंट्रेंस ऑफ यूरेथ्रा है ना यूरेथ्रा के एंट्रेंस पर था एंड वेंट टू ए डॉक्टर टू मंथ्स ही केप्ट गिविंग गेटिंग वर्स अंटिल एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग टू डॉक्टर लिप्पे द पेरफ्यूस वाज इन्वॉल्वड है ना पेरफ्यूस उसका संक्रमित हो चुका था अबाउट 8 of an inch and the part of the glands penis around the urethra where an open ulcer exhaled most fetid smell durgandhara tha with most excruciating pain hemorrhage at 10 every evening 10 baje shaam ye raat mein and during the day when removing the dressing had constant desire to urinate accompanied by with the intense pain had not slept for the fortnight करीब करीब एक सप्ताह तक 15 दिन तक उनको नींद नहीं आई थी ठीक है ना फाउंड ऑन वॉशिंग ऑफ पार्ट ऑफ द ड्रेसिंग दैट रेड ग्लिसनिंग अपीयरेंस करने के बाद में फिर लैक कैनेनम 30 दिया गया पानी में और 3-3 घंटे पर जिससे कि बेनिफिट हुआ जल्दी और डिफरेंट पोटेंसी में फिर आगे बढ़ते चले गए और फिर 1 dose ऑफ लेडम फॉर सिफिलिटिक रिमेटिज ऑन द राइट फुट द पेन ऑलवेज शॉर्ट ऑफ द फुट ऑफ द नी नेवर डाउनवर्ड ऊपर चढ़ता था इन 2 weeks द कैंकर हैड कंप्लीटली हील्ड द रियल ग्लिसनिंग अपीयरेंस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैक कैनियम इन एनी ऑफ द अल्सरेशन आपको यहाँ पर बता रहे हैं लैक कैनियम का जो प्रमुख लक्षण जो है किसी भी अलघाव में अगर वह लाल चमकता हुआ अपीयरेंस हो तो वहाँ पर लैक कैनियम जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मैं इस केस को इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इस रिपोर्ट्री का जो यूज किया गया था डॉक्टर के हेनिमन भी अपने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में इसका जिक्र किया है ना ये इस रिपोर्ट्री की का महत्व है और यह रिपोर्ट्री अपने आप में काफ़ी यूजफुल रहा है और हम लोग इसको इतिहास से इसको बताने के से हमको ये बताने का मकसद होता है हम लोग इतिहास को पढ़ने से हम लोगों को यह जानकारी मिलती है कि हमको देखने का नज़रिया है ना कैसे हम रिपोर्ट्री को यूज करें डिफरेंट एंगल्स से हम लोग कर सकें यह हम लोग इसमें सीख सकते हैं तो आज के इस क्लास में हमने ये बता लिप्पे रिपोर्ट्री का एक छोटा सा परिचय आप लोगों को कराने का प्रयास किया सो थैंक यू